नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अश्वगंधा किस तरह से आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये अश्वगंधा है क्या। अश्वगंधा टमाटर के रूप में ही एक संयंत्र परिवार से जुड़ा हुआ झाड़ी या पौधा है। इसमें फ्लेमोनोइड एवं एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई लाभकारी गुण होते हैं। अनुसंधान में पता चला है कि यह न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को सही करने में भी सहायता करता है। तो आइए हमारे साथ और जान लीजिए कि अश्वगंधा कैसे लाभकारी हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि अश्वगंधा किसी चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लेना शुरू करें, क्योंकि इसकी मात्रा आपके वजन, आपकी उम्र और आपके वातावरण पर भी निर्भर करती है। अल्जाइमर रोग का उपचार। अश्वगंधा अल्जाइमर रोग के उपचार में भी सहायक पाया गया है। प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ फिलिस ब्लाच के अनुसार यह जड़ी बूटी मेंटली मजबूत बनाने में उपयोगी है। एक्टेलोकलाइन, जो कि एक रसायन है, उसको संशोधित करता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने में भी मददगार है, जिससे याददाश्त मजबूत करने में फायदा मिलता है। अश्वगंधा गर्भवती महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। गर्भवती माताओं को इसके सेवन के लिए अत्यधिक सिफारिश की गई है। यह मां के रक्त को शुद्ध करने और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयों में भी अश्वगंधा का चाय में उपयोग गर्भाशय के लिए बहुत लाभकारी है। एंटी एजिंग भी है अश्वगंधा। इसमें एंटी एजिंग लाभ भी है, क्योंकि यह उत्तकों में पुनर्जनन को बढ़ावा देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह दिमाग और शरीर को तनाव से उभारने में भी मदद करता है। यह फिर से युवा, संतुलित, मजबूती प्रदान करता है। अश्वगंधा मन को भी शांत करता है। अश्वगंधा को एक हल्के शामक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मन को शांत करता है और आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में तनाव को रोकने और सहन शक्ति को बढ़ाने के टानिक के रूप में काम में लिया जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सारे उपाय या समाधान बड़े बड़े वैद्यों और आयुर्वेदाचार्यों की किस लिखी हुई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।